देखो अपनी तरफ से तो मेरी कोशिश है, मैं मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ ही है। आप लोगों को शिकायत हो सकती है कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास मजबूरी है। इंटर में सबसे बड़ा मसला है कि इंटर की टीचिंग में, यूनिवर्सिटी में मसला नहीं होता, इंटरमीडिएट की टीचिंग में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। 7 महीने के अंदर आपने पूरा कम्प्लीट करवाना है। अगर आप, जाहिर सी बात है हफ्ते में 3 क्लासेज होती हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट देने बैठ जाते हो तो फिर बहुत लंबा हो जाता है वो। इसलिए ज़्यादातर टीचर फिर क्या कहते हैं कि यार क्वेश्चंस करवा दो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए ना, तो हमारा एजुकेशन कल्चर ऐसा हो ना, टाइम थोड़ा कम है। यूनिवर्सिटी में टाइम होता है, यूनिवर्सिटी में कोर्स आउटलाइन बहुत छोटी सी होती है, एक टीचर को 4-5 महीने तक वही पढ़ाना है, तो काफ़ी आसानी से वो फिर पढ़ा लेते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए मेरी तरफ से माजरत, अगर कोई स्पीड मेरी बीच में तेज़ हो रही है, वो मेरी मजबूरी है। अगर यही टॉपिक मुझे दिए जाते कि मैंने 2 घंटे में पढ़ाना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, तो मैं आपको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता, सेक्शन फार्मूला में समझाता कि नेगेटिव क्यों आ रहा है रेशो एक्सटर्नल में। अभी मैंने रीज़न नहीं बताई आपको। तो ये सब बातें उस वक्त होती हैं जब टाइम हो थोड़ा सा। क्या हुआ? हाँ, क्विज़ यार 18 को मैंने बताया था, चैप्टर 239। अरे छोड़ दो ना, ये फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे जाएगा, फिर वहाँ से लोग रिक्वेस्ट करने लग जाएंगे। सेंट्रॉइड पे आ जाओ, सेंट्रॉइड पे आखिरी टॉपिक है 2.2 का। सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड समझने से पहले आपको मीडियंस पता होने चाहिए, ट्राइंगल के मीडियंस। सबसे पहले स्टूडेंट को ये कन्फर्म नहीं होता कि मीडियन पॉइंट है या लाइन है, तो जहन में रखो मीडियन एक लाइन है, पहली बात। दूसरी बात, मीडियन कौन सी लाइन है? ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। जो अपोजिट साइड है इसका मिड पॉइंट निकालो, ये वर्टेक्स से जो लाइन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? मीडियन। तो एक और मीडियन भी आ सकता है, लेट कर लो ये मिड पॉइंट है तो एक मीडियन ये हो जाएगा, लेट कर लो ये मिड पॉइंट है तो एक मीडियन ये हो जाएगा। तो ट्राइंगल के अंदर 3 जो है वो आपके पास मीडियंस आ गए। अब बात है कि सेंट्रॉइड क्या होता है? भाई जहाँ पे मीडियंस मिल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो जहाँ पे मीडियंस मिल रहे हैं तो उसको आप क्या कहते हो? सेंट्रॉइड कहते हो। तो एक तो मीडियन की आपने डेफिनेशन देख ली, ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे उसको मीडियन कहते हो। और दूसरी डेफिनेशन आपने देख ली सेंट्रॉइड की, कि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्राइंगल के सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, उस वाले पॉइंट को आप सेंट्रॉइड बोलते हो। और सेंट्रॉइड मालूम करने का एक बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, जैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला वैसी है ये, कि तीनों पॉइंट की एक्स वैल्यू को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तीनों की वाई वैल्यू को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 3 कर दो। तो एक सेंट्रॉइड की डेफिनेशन देख ली, दूसरी बात आपने देख ली कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, कैसे सेंट्रॉइड निकालोगे। इसकी एग्जाम्पल अगर आपने करनी है तो एट का भी एक पार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 2.2 में आपको मीडियन निकालने हैं और सेंट्रॉइड निकालना है, तो मीडियन वाला पार्ट साइड पे रख लेना। आपको 4-5 पार्ट गिवन है, उसमें वर्टिसेस गिवन होंगे, तो उनमें आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई कर लेना, क्योंकि उसमें सेंट्रॉइड गिवन है और एक वर्टेक्स नहीं गिवन आपको, तो वही एब्सिसा और ऑर्डिनेट कंपेयर करके आप निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी ट्राई कर लेना। अब आखिरी पॉइंट है सेंट्रॉइड से रिलेटेड, वो ये पॉइंट है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच एंड एवरी मीडियन इन अ रेशो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। ये इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि वर्डिंग कंफ्यूजिंग है, कि सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड कर रहा है हर मीडियन को 2:1 के रेशो में। अगर आप इस सेंट्रॉइड को देखो, आपको दिखने में लग रहा है कि ये डबल है और ये हाफ है, मतलब ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 1 है। इसी तरह अगर आप इस मीडियन की बात करो, दिखने में लग रहा है ये डबल हिस्सा है और ये तकरीबन आधा हिस्सा है, तो 2:1। और इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा है और ये वाला हिस्सा जो है वो छोटा है। तो अगर आप गौर करो तो सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशो में कट कर रहा है फ्रॉम वर्टेक्स। ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं सर आपने 2:1 इस तरह दिया है तो 2:1 इस ऑर्डर में भी मैं ले सकता हूँ, कि इसको 2 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ। तो मैंने तभी डायग्राम में डेफिनेशन में बता दिया फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2:1 पे है ये। इसी तरह वर्टेक्स से 2:1, वर्टेक्स से 2:1, मतलब वर्टेक्स के फौरन बाद 2 आएगा और दूसरा वाला 1 हो जाएगा।
तो सेंट्रॉइड से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो 2.2 जो है ये हमने कंप्लीट कर ली है। कोई सवाल यहाँ तक किसी टॉपिक में है तो पूछ लो। अच्छा देखो, इंक्लिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, 2.4 का टॉपिक है ये। सबसे पहली बात, इंक्लिनेशन एक एंगल होता है, नॉर्मली इसको आप अल्फा से शो करते हो लेकिन कहीं जगह आपको थीटा में भी मिल जाएगा, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने अल्फा यूज़ करना है। इंक्लिनेशन ऐसा एंगल होता है जो सबसे पहली बात एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अगर आप इस एंगल को देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और आप ये कह सकते हो कि लाइन के ना, मतलब एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये भी बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो लाइन के राइट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लाइन का राइट ये है, यहाँ से आप एंगल स्टार्ट कर रहे हो, पीछे से या कहीं और से आप स्टार्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, लाइन के राइट पे हो और लाइन के उस हिस्से पे एंड हो रहा हो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। जैसे अगर आप देखो, एक एंगल इस तरह भी बन सकता है, ये भी एंगल राइट से स्टार्ट हुआ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये लाइन के उस हिस्से पे एंड हो रहा है जो एक्स एक्सिस के नीचे है। ये डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, या हम ये भी बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो लाइन के राइट से बन रहा हो, क्योंकि एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, बस एंगल जो है वो लाइन के उस हिस्से पे एंड होना चाहिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे एंड नहीं होना चाहिए। तो उस वाले एंगल को आप क्या बोलोगे, इंक्लिनेशन बोलोगे। तो एक इंक्लिनेशन इस तरह भी बन सकता है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपकी लाइन इस तरीके से यहाँ पे है तो ये पूरा इंक्लिनेशन है। अगर आप इसको देखो, लाइन के राइट पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसको भी आप बोल सकते हो कि ये इंक्लिनेशन है। ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी इंक्लिनेशन की। नॉर्मली वो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन नहीं पूछते, जो इंक्लिनेशन की रेंजेस है ना वो आपसे पूछ रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है। तो एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन होती है 0 डिग्री। फिर सवाल होता है वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है। वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन होती है 90 डिग्री। फिर सवाल होता है इंक्लिनेशन की रेंज क्या है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक होता है ये। तो इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, अप टू 180 डिग्री तक। इंक्लिनेशन 0 से बड़ा होगा, 180 से कम होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता इंक्लिनेशन। तो तीसरा पॉइंट ये आ सकता है इंक्लिनेशन से रिलेटेड। और क्या पॉइंट आ सकता है, वो फिर स्लोप भी आ जाएगा उसके अंदर। हाँ, इंक्लिनेशन से रिलेटेड प्योर यही तीन पॉइंट्स होते हैं। तो इंक्लिनेशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि आपने इंक्लिनेशन समझ ली क्या होती है, और साथ आपने ये समझ लिया कि इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की और रेंज क्या होती है। अब लेट कर लो, अगर मैं कोई लाइन आपको दूं, ये वाली लाइन, तो इसका इंक्लिनेशन कैसे बनाओगे, ये पूरा इंक्लिनेशन है। बाय द वे ये बाइसेक्टर है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसका आगे मैं सवाल भी करवाता हूँ। तो ये पूरा एंगल 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इतना 90 डिग्री है और इतना 45 है, तो ये पूरा 135 हो जाएगा। इतना 45 कैसे हुआ ये मैं आगे आपको जाके बताता हूँ, अभी मैं स्लोप आप लोगों को पढ़ा लूँ उसके बाद बताता हूँ। तो ये तीन पॉइंट याद रख लेना इंक्लिनेशन से रिलेटेड, ये सवाल में पूछे जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्लोप का। स्लोप और इंक्लिनेशन जब मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, क्योंकि टॉपिक अधूरा पढ़ा है आपने अभी, अब पूरा कर लो इसको इंक्लिनेशन स्लोप से। स्लोप का रियल वर्ल्ड में मतलब डिफरेंट होता है, उसमें हम नहीं जाते। अगर आप बात करो स्लोप का मैथमेटिकल किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो इसको, तो अगर आपके पास इंक्लिनेशन है और आप उस इंक्लिनेशन का टेंजेंट ले लो, आपके पास अल्फा मतलब एक इंक्लिनेशन गिवन है, आपने उसका टेंजेंट ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। स्लोप को आप एम से शो करते हो। एक फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से आप स्लोप उस वक्त निकालोगे जब आपके पास अल्फा गिवन होगा, तो आप आसानी से स्लोप निकाल लोगे। अगर आपको अल्फा नहीं गिवन, आपको किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, y2 - y1 / x2 - x1। ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आपको लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पता है, x1 / x2 / y2, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपके पास आसानी से स्लोप आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
स्लोप से रिलेटेड मेन पॉइंट जो है वो ये है कि याद रखो जो लाइन इस तरीके से बनती है, मतलब लेफ्ट से अगर आप राइट पे जाओ वो इंक्रीज कर रही हो, अगर आप लेफ्ट से राइट पे जाओगे लाइन इंक्रीज कर रही है, इस तरह हो या इस तरह हो या इस तरह हो, इन सब लाइंस में अगर आप देखोगे लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज कर रही हैं, कोई बहुत जल्दी इंक्रीज कर रही हैं, कोई आहिस्ता आहिस्ता कर रही हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट पे सब इंक्रीज कर रही हैं, तो इन सब के जो स्लोप हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर ऐसी लाइन जो लेफ्ट से राइट पे डिक्रीज कर रही हो, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, या बहुत ही जल्दी डिक्रीज कर रही है, इन सब लाइंस को अगर आप देखो तो लेफ्ट से राइट पे ये डिक्रीज कर रही हैं, तो इन लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बात की जाए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। अगर बात की जाए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी, या कभी आप अनडिफाइन भी लिख देते हो इसको। अच्छा जी, अगर बात की जाए, हाँ ये दो पॉइंट तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस का स्लोप, या अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप भी जीरो ही होगा। इसी तरह जो वाई एक्सिस है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। पैरेलल हो तब भी स्लोप सेम रहता है। अगर एक्स एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल है उसका स्लोप भी जीरो होगा, अगर वाई एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप भी इनफाइनाइट ही होगा। अब एक किस्म का सवाल ये भी आता है कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, किस इंक्लिनेशन पे स्लोप पॉजिटिव होगा, किस इंक्लिनेशन पे स्लोप नेगेटिव होगा, किस पे जीरो होगा। जीरो और इन्फिनिटी तो आपने देख लिया, अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। अगर आपका अल्फा जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है अल्फा इंक्लिनेशन, तो आपका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप के फॉर्मूले में टेंजेंट आता है, और टेंजेंट जीरो और 90 डिग्री के दरमियान पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आपका इंक्लिनेशन, आपका अल्फा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो तब आपका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट भी काफी मशहूर है, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। अब 2.5 अगर आप निकालो तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको कुछ इस टाइप की लाइंस मिलेंगी। एक लाइन होती है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर का मतलब क्वाड्रेंट का पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल हाफ से कट करके जाती है लाइन, मतलब 45 डिग्री इस तरफ 45 डिग्री उस तरफ, उसको आप बोलते हो बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो लाइन बाइसेक्टर होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की, पहली बात उसका इंक्लिनेशन जो है वो 45 डिग्री होता है, ये वाला पूरा एंगल 45 होता है, और अगर आप 45 का टेंजेंट लो तो 1 होता है, तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या है, 1 के बराबर है। तो दो बातें आपने पढ़ ली, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, स्लोप उसका 1 होगा। तीसरी बात आप 2.5 में पढ़ोगे, अभी से मैं बता रहा हूँ कि उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू एक्स। ऐसी लाइन जो बाइसेक्टर हो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, स्लोप उसका 1 होगा, इक्वेशन उसकी y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। तो तीन पॉइंट पता होने चाहिए। सेम आप इसको ले आओ बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि अगर आप इसकी इंक्लिनेशन निकालो तो ये पूरी 135 होगी, क्योंकि यहां तक 90 है और ये बाइसेक्ट इसने किया ना, तो इतना वाला हिस्सा 45 होगा, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन है 135 डिग्री। अगर आप 135 का टेंजेंट लोगे तो -1 आता है, तो इसका मतलब स्लोप -1 हो गया। और जो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर होती है लाइन, उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू -x। तो स्लोप और इंक्लिनेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छी बात है, समझ आ गया आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टू पॉइंट फोर का एक और टॉपिक और आखिरी टॉपिक था पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का, अगर आप लोगों को याद हो, जिससे आपके काफी क्वेश्चन निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 9, 10, 11, 12, उसके बाद ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। हाँ भाई बोलो।
तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। भाई जान आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना माइक्रोफोन चेंज करो क्या करो, क्योंकि आपका आइकन शो हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलो तो ठीक हो जाए तब पूछ लेना। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है एक्स और वाई इंटरसेप्ट का, आई होप आप लोगों को पता होगा। एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि अगर लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है उस पॉइंट को आप बोलते हो एक्स इंटरसेप्ट। लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, सर 135 वाली इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स, हाँ तो सवाल क्या है यहाँ पे ये बताओ, ये तो आपने बताया है, सवाल क्या है? तो ऐसा पॉइंट लाइन जब x एक्सिस को क्रॉस करती है जिस पॉइंट पे उसको आप x इंटरसेप्ट कहते हो, और लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को क्रॉस करती है उसको आप y इंटरसेप्ट कहते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है लाइन ने कितने डिस्टेंस पे कट किया, लेकिन y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि याद रख लेना कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो उसकी y वैल्यू जीरो होती है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो इसकी x वैल्यू जीरो है, और y वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो लाइन ने कितने डिस्टेंस पे इसको कट किया है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में आपने x और y इंटरसेप्ट निकालना है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है 3x plus y minus 3 equal to 0, इसको कंसीडर कर लो। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालो, तो आप इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देना, आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो y की जगह 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन बचेगी, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब x इंटरसेप्ट जो है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि x इंटरसेप्ट एक वैल्यू है, आप वैल्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो x इंटरसेप्ट को, और पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप 1 को भी x इंटरसेप्ट कह लो, और इस तरह भी लिख सकते हो 1, 0, दोनों तरीके। और अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से निकालो y इंटरसेप्ट 3 आ रहा है। अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप इसको लिखोगे 0, 3, ठीक है। तो x और y इंटरसेप्ट आप इस तरह निकालोगे। अब जो टॉपिक था वो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का था, कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो याद रखना ज्योमेट्रिक पहले आप लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, वो डेफिनेशन भी है, लेकिन अगर आपने पैरेलल लाइन को स्लोप के जरिए से डिफाइन करना है तो उन दो लाइंस को आप पैरेलल बोलोगे जिनके स्लोप जो है वो आपस में इक्वल है। ऐसी दो लाइन अगर उनके स्लोप आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और पैरेलल के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज करते हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर लाइन का। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है आपस में तो फिर क्या कंडीशन होती है? उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। कुछ मैं एग्जांपल्स करवा देता हूँ। लेट कर लो आपसे बोला जाए एक लाइन है जिसका स्लोप है भाई 2, तो जो इसके पैरेलल लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? तो अगर M2 मतलब ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर बोला जाए कि एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है और आपने इसके पैरेलल एक और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है उसका स्लोप निकालना है, M3 जो है, जो लाइन 3 है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। गिवन लाइन है इसका स्लोप 2 है, आपने एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो डायरेक्ट किस तरह निकालोगे? एक तो अभी वाला यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इस स्लोप को रेसिप्रोकल करो, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 और साइन चेंज कर दो। तो अगर एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप -1/2 हो जाएगा, ठीक है। कोई एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक लाइन है जिसका स्लोप है भाई 3/4, तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 3/4 होगा, और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी
उसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज कर दो। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचानोगे कि कोई भी दो लाइन पैरेलल है या कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है। अब अगर आप बोलोगे इसके सर एग्जांपल्स ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लो, 10 कर लो। 9 में मेरे ख्याल में पैरेलल का जिक्र किया गया है कि आपको कोई भी दो पॉइंट देंगे, मतलब इस टाइप का सवाल आएगा कि लाइन L1 है वो कोई भी दो पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन L2 है वो भी किसी दो पॉइंट से पास कर रही है, और वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। होगा ये कि किसी एक पॉइंट में ना कोई अननोन होगा, जैसे लेट कर लो आखिरी वाले पॉइंट में y वैल्यू अननोन होगी, तो आप कहेंगे y मालूम करो। तो आप जस्ट क्या करना, इन दोनों पे स्लोप का फॉर्मूला लगाना। अभी बताया था स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप का फॉर्मूला लगाना, एल वन का स्लोप आ जाएगा, मतलब एम वन आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इन दो पॉइंट पे स्लोप का फॉर्मूला लगाना, आपके पास एम टू आ जाएगा। इधर जो स्लोप का फॉर्मूला होगा उसमें वाई आ रहा होगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट में वाई आ रहा है। अब उन्होंने बोला है कि पैरेलल हैं, तो इन दोनों स्लोप को आपस में इक्वल रखना और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और अगर वो आपको बोले कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो फिर आप इस कंडीशन को रखना। क्या कंडीशन, कि एम वन मल्टीप्लाई एम टू इक्वल टू माइनस वन। दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करना आपस में और इक्वल रखना माइनस वन के, तो आपके पास रिक्वायर्ड y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो बुक का आप सॉल्व कर सकते हो, MCQs में आया तो वही आ रहा होगा। यहां तक कोई सवाल, कोई इशू? यार दो, एक दो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, अगर क्योंकि उन्होंने मैसेज किया था उस्मान है मेरे ख्याल में, तो आपको कोई सवाल है तो माइक्रोफोन ऑन कर लो या पूछ लो मुझसे, आपने अभी तो पूछा नहीं है मुझसे। तो ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने पहले बताया था कि अगर वो आपको बोले कि इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टेंजेंट 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। और अगर वो आपको बोले कि इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, या अगर इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ मैं कौन कौन से पॉइंट अगर आपको नहीं बताए तो मैं बता दूँ, ताकि 2.4 का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए। बायसेक्टर वाली मैंने बात बता दी, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए यहाँ पे। अच्छा जी, एक्स वाई इंटरसेप्ट बता दिए, हाँ 2.4 के सारे टॉपिक बता दिए। बस एक फॉर्मूला एंड पे है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वो भी आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 14 है आई गेस, 14, 15, 16, 17 इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2.4 के, उसमें एक फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, उसको आप कहते हो एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है तो आप किस तरह निकालोगे, गिवन आपको क्या होगा, दोनों के स्लोप गिवन होंगे, या अगर स्लोप गिवन ना हो दोनों पे पॉइंट गिवन होंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी कि आपको बोल देंगे L1 इन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो आप स्लोप निकाल लेना, L2 इन दो पॉइंट से पास कर रहा है आप स्लोप निकाल लेना। स्लोप आपके पास पहले होने चाहिए। तो अगर आपके पास दोनों लाइन के स्लोप हैं और आपको उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा एंगल निकालने का, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, प्रोवाइडेड कि अगर एंगल जो है वो L2 से लेके L1 पे बन रहा है। कहने का मतलब अगर लेट कर लो, अच्छा एंगल पहली बात आप एंटी क्लॉकवाइज में बनाते हो, ठीक है, लेट कर लो ये L2 है और ये L1 है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एंगल निकालो L2 से लेके L1 के ऊपर, तो ये वाला पूरा एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वो एंगल है जो L2 से लेके L1 पे बन रहा है। तो आपने देखना है कि आपको सवाल में बोला क्या गया है। अगर एंगल एंड हो रहा है L1 के ऊपर, तो पहले L1 का स्लोप आएगा। और सवाल की वर्डिंग में क्लियर होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन। फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है टू द लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर है, तो जो टू का मतलब होता है, टू का मतलब होता है यहाँ पे एंगल एंड हुआ है, फ्रॉम का मतलब है कि यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है। तो जिस लाइन से एंगल स्टार्ट हुआ है और जिसके ऊपर एंड हुआ है, तो उसका स्लोप पहले आएगा। तो अगर एंगल L2 से स्टार्ट हुआ है और L1 पे एंड हुआ है, तो पहले L1 का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए
कि एंगल जो है वो L1 से स्टार्ट हुआ है और L2 पे खत्म हुआ है, L1 से स्टार्ट हुआ है और L2 पे खत्म हुआ है, तो अब L2 का स्लोप पहले आएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ उस बात पे कि कितने मेरे स्टूडेंट ने बात बोली है कि सर ये मेथड जो उन्होंने बताया हुआ ज़्यादातर वर्क करता है कि जिसका स्लोप बड़ा है वो आप पहले लिख देते हो। 90% केसेस में मेथड वर्क करता है, लेकिन कुछ केसेस में मेथड वर्क नहीं करता। तो अगर आपको किसी ने ये बताया कि जो बड़ा स्लोप है उसको आप पहले लिखते हो तो ये मेथड कुछ जगह पे आपके काम नहीं करेगा। जहन में रखना बड़े छोटे का नहीं होता, आप ये देखते हो कि एंगल एंड किसके ऊपर हो रहा है। अगर इसके ऊपर एंड हो रहा है तो इसका स्लोप पहले आएगा, L2 पे एंड हो रहा है तो पहले M2 का स्लोप आएगा। और कितने ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे चैप्टर नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 14 का आखिरी पार्ट जो के मेथड वाला है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो आपकी मर्जी आप जिस भी ऑर्डर में रखो दोनों आंसर वहां पे ठीक थे। तो अगर स्पेसिफाई ना करें तो दोनों आंसर ठीक होते हैं किसी जगह पे, या किसी जगह पे वो बोल देते हैं कि एक्यूट एंगल, आपको ये मिल जाएगा सवाल कि फाइंड द एक्यूट एंगल। तो याद रखना जब भी वो आपको बोले एक्यूट एंगल का, तो आपने इस फॉर्मूले में इस तरह कर लेना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना एक्यूट का वो जहन में रखो। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है। मैं चलिए लिख देता हूं कि अगर वो आपको बोले कि एक्यूट एंगल मालूम करो, नॉर्मली एमसीक्यूज में ना आपको वो बता देते हैं कि कहां से कहां पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो आपको नहीं बता रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो मॉड के साथ, क्योंकि जब आपने मॉड लगा दिए फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये वाला फॉर्मूला उस सिचुएशन में भी आप यूज कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला इस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो कि अगर वो आपको बोले एक्यूट एंगल निकालो। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90। तो देखो इधर टेंजेंट के अंदर अगर कोई एंगल लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मैंने अभी बताया था कि टेंजेंट के अंदर कोई भी एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा तो टेंजेंट उस पर पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा एंगल निकालना है जो लेस देन 90 हो तो उसके लिए आपको यहां पे पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव कैसे आएगा, मॉड लगा के। तो मैं समराइज कर देता हूं एंड पे बात, ये वाली सिचुएशन हो तो ये वाला फॉर्मूला, इसी तरह इस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला। मेजॉरिटी एमसीक्यूज में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिन एमसीक्यूज में गिवन नहीं है आपको कि एंगल कहां से लेके कहां पे बन रहा है तो उसमें आप मॉड ही लगा लेते हो, या मॉड आप उन सवालों में भी लगाते हो जिसमें आपको बोलते हैं कि एक्यूट एंगल मालूम करो। दोनों सिचुएशन में आप ये मॉड लगा देते हो, और जब आपने मॉड लगा दिया फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप M1-M2 करो या M2-M1 करो। तो ये मैंने हर बात को हर तरीके से एड्रेस कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इससे। 2.4 खत्म, आज की क्लास खत्म, कोई भी सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक। इस फॉर्मूले की अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो क्वेश्चन नंबर 14 जैसे मैंने आपको बताया आप उसको सॉल्व कर लो, एमसीक्यूज में उसी टाइप का आएगा। बस एमसीक्यूज में ये आसानी कर सकते हैं कि 14 में आपको दो पॉइंट गिवन होंगे उनसे स्लोप निकालोगे ना, तो एमसीक्यूज में वो ये आसानी कर सकते हैं कि आपको स्लोप दे देंगे पहले से, कि आपकी थोड़ी वर्किंग कम हो जाए, लेकिन मेथड वही रहेगा जो आप क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहे हो।